गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 6 यूनिट 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। डॉग वेयर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। डॉग्स जो डॉग्स होते हैं वो पहले खुद के मालिक होते थे, मतलब जैसे वुल्फ्स होते हैं ना, वुल्फ्स, या वैसे डॉग्स भी पहले खुद के मालिक हुआ करते थे। कहीं भी घूमना, खाना ढूंढना, और वो कब तक चला जब तक एक डॉग ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये सबसे एकदम मतलब बोर हो चुका था कि ये सब क्या है, कि रोज एक ही चीज करना। वो खुश नहीं था ये चीजों से, कि खाने के लिए ढूंढना, हर जगह घूमना, जो हमसे ताकत और उसे डर जाना, चुप जाना, फिर खाना ढूंढना, ये सब करके वो एकदम बोर हो गया था, मतलब खुश नहीं था। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. मतलब कि दिन भर खाने के लिए भाग दौड़ करना, खाना ढूंढना, और फिर कोई उसे ज्यादा ताकतवर बड़ा उससे दिख जाए तो उसे डर जाना, डर के भाग जाना। इससे क्या था, वो डॉग एकदम बोर हो चुका था, खुश नहीं था कि क्या ये यही लाइफ है, मुझे यही करना है मेरी लाइफ में, मैं कुछ नया नहीं कर सकता क्या। उसके बाद ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। उसके बाद जो डॉक्टर ने सोचा कि क्यों ना मैं मुझसे जो ताकतवर हो उसको मैं अपना मालिक बना लूं और मैं उसका नौकर बन जाऊं। इससे क्या होगा, दो चीजें होगी, एक तो वो मालिक बनाएगा किसी को अपना और किसी का नौकर बनेगा, तो जो मालिक है वो अपने नौकर को खाना तो खिलाएगा ही, तो उसको खाना भी मिल जाएगा, और वो मालिक है, ताकतवर होगा तो क्या होगा, उससे उसको किसी से डरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका मालिक तो बहुत ताकतवर है तो वो किसी से क्यों डरेगा। तो क्या किया वो डॉग ने, एक दिन निकल गया ढूंढने के लिए कि अर्थ पे, पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान, मतलब इंसान या फिर जो भी एनिमल जो भी है कौन है, वो ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किंग्स मैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। क्या था, वह चल पड़ा ढूंढने के लिए ताकतवर को, फिर बीच में उसको कौन मिला, एक वुल्फ मिला। यहाँ पे किंग्स मैन कहा गया, लेकिन उसी मतलब कि उसी की जाति का उसको कोई मिला, मतलब कि वुल्फ मिला जो बहुत ही मतलब ताकतवर है और किसी से डरता भी नहीं है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्स। फिर वुल्फ ने डॉग से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर someone to take up service with, would you like to be my master? Wolf, फिर उसने कहा कि मैं मेरे लिए मास्टर ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे? ऐसा डॉग किसको पूछता है, वुल्फ को पूछता है। I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon, the two of them went on together. इसके बाद ये बात फिक्स हुई, वुल्फ ने कहा क्यों नहीं, तुम बन जाओ मेरे नौकर, मैं तुम्हारा मालिक बन जाता हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोनों साथ में चलने लगे। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. उसके बाद वो लोग जा ही रहे थे रास्ते में, अचानक से वुल्फ ने अपनी नाक को ऊपर किया और कुछ स्मेल करने लगा और अचानक से जोर से भागा झाड़ियों में जाके, एकदम जंगल के अंदर जाके चुप गया। ये देख के एक डॉग तो एकदम सरप्राइज हो गया, चौंक गया कि ये क्यों भाग रहे, तो जो ताकतवर इंसान है ना, सबसे ताकतवर एनिमल है तो ये क्यों डर के भाग जा रहा है। What's come over you, master? He asks. What has frightened you so? Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me? उत्तर में बोलता है वुल्फ कि सबसे पहले डॉग पूछता है मास्टर से, मास्टर क्या हुआ, आप डर के क्यों चुप गए हो, क्या हुआ?
कौन सी चीज ने आपको इतना डरा दिया है? फिर उसका मास्टर वुल्फ बोलता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, वहां पे एक भालू है, वो हम दोनों को देख लेगा तो हम दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let's us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fills." उसके बाद ये देखते हुए कि वुल्फ से ज्यादा ताकतवर तो बियर है, तो डॉग क्या बोलता है, डॉग क्या सोचता है कि अब मैं बियर को अपना मास्टर बनाऊंगा। तो बियर के पास जाता है, वो वुल्फ को छोड़ देता है, बियर के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा नौकर बनना चाहता हूँ, तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे? तो बियर हाँ बोल देता है। फिर उसके बाद दोनों जाते हैं, तो बियर कहता है कि चलो हम एक गायों का झुंड, मतलब हर्ड ऑफ काउ, मतलब जहाँ पे गाय ग्रेजिंग करती है ना, घास खाती है, जब झुंड में हम वहां जाते हैं, एक गाय को किल करते हैं और दोनों खाना खा के अपना पेट भरते हैं। दे वॉक ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस, बट जस्ट एज दे वेर अबाउट टू कम अप टू ईट, दे वेर स्टॉप्ड बाई अ टेरिबल नॉइज। द काउस वेर मूजिंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। उसके बाद जैसे ही वो लोग एक वो लोग को काऊ का हर्ड दिखाई दिया, उसके नजदीक पहुंचने गए, फिर अचानक से वो दोनों रुक गए क्योंकि वो लोग को कोई आवाज आ रही थी बहुत ही डरावने से, एकदम जिसको सुन के डर लग जाए ना वैसी आवाजें आ रही थी। उसके बाद देखा तो काउस भी थी, वो भी इधर उधर मूजिंग साउंड, मतलब काउ जैसी आवाज निकालते हैं ना, वो साउंड कर करके इधर उधर हर एक जगह भाग रही थी। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये है बियर, ये है डॉग, यहाँ पे काउस भाग रहे हैं। द बियर लुक्ड आउट फॉर बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टिली डीपर इन द फॉरेस्ट। उसके बाद भालू ने भी इधर उधर देखा, देखा तो अचानक से एकदम जोर से स्पीड में भाग गया एकदम जंगल की अंदर। अब वो क्यों भागा वो हम देख रहे हैं अभी। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, इट इज द लायन हु रूल्स अ फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। द लायन हु इज ही, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। उसके बाद कहता है, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे जंगल में क्यों भाग के आया? वो भालू पूछता है डॉग को। तो ये जंगल का वो इलाका है जहाँ पे लायन रूल करता है, लायन राज करता है। फिर भालू पूछ डॉग पूछता है कि लायन वो कौन है, हु इज ही, तुम नहीं जानते कि लायन कौन है? वो सबसे स्ट्रांग है अर्थ पे, लायन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है अर्थ पे। वेल देन आई विल से गुड बाई टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। उसके बाद बोलता है डॉग की, तो मैं तुम्हें गुड बाई बोलता हूँ क्योंकि मुझे मास्टर वो चाहिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है अर्थ पे। तो वो जाता है लायन के पास। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन फॉर, देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन लायन, एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। उसके बाद वो लायन के पास जाता है, लायन को पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? लायन एग्री हो जाता है, फिर वो लायन का नौकर बन जाता है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत टाइम तक वो लायन का नौकर रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, खाना पीना लायन शिकार करता है, दोनों मिलके खाते हैं, कुछ काम तो करना होता नहीं है, और कोई डॉग को परेशान भी नहीं करता क्योंकि उसका मास्टर तो लायन है। सब डॉग से भी डरने लगते हो क्योंकि उसका मास्टर तो लायन है। बट वन डे द टू ऑफ देम वेर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग अ पाथ दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ वेन ऑल ऑफ सडन द लायन स्टॉप। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ विथ सच अ फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर। देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्विकली। उसके बाद बहुत अच्छा चल रहा था दोनों का, डॉग का और लायन का।
लेकिन एक दिन जब वो लोग जा रहे थे थोड़े हिल साइड से, मतलब ऊंचाई वाले इलाके से, तो अचानक से देखा तो लायन ना शॉक हो गया, उसने अपने नाखून से जमीन में एकदम गाड़ दिए, एकदम से शॉक हो गया, धीमे धीमे पीछे आने लगा, एकदम धीमे धीमे धीमे, फिर जोर जोर से पीछे भागने लगा। फिर डॉग पूछता है, व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्स द डॉग सरप्राइज। डॉग चौंक गया कि क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत हो रहा है क्या, कि ये क्या हुआ, पीछे क्यों जा रहे हो। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। फिर क्या बोलता है लायन, कि मैंने स्मेल किया कि वहां से इंसान आ रहे हैं, हमें यहां से भागना पड़ेगा नहीं तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाई टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। उसके बाद क्या बोलता है डॉग, तो मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ क्योंकि मुझे मास्टर तो वैसा चाहिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है पूरे अर्थ पे। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड स्टेड विथ हिम एंड सर्व हिम फेथफुली। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। तो उसके बाद डॉग जाता है ह्यूमन के पास, मैन के पास, उसके साथ रहता है, उसको एकदम सर्व करता है, मतलब उसकी सेवा करता है, उसके साथ लॉयल रहता है, और तब से लेके आज तक जो मैंस के सबसे अच्छे और लॉयल सर्वेंट है वो कौन है, डॉग्स। आज भी मतलब अभी भी हम देखा है कि बहुत सारे घरों में डॉग्स सब पालते हैं घर की सिक्योरिटी के लिए, देखा होगा ना उस तरीके से। तो होमवर्क में आपको इसके क्वेश्चन आंसर करना है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम वॉल्यूम 2।